शिवपुरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अक्सर राशन का वितरण न होने की शिकायतें जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा कराई जाती रही है। ऐसा ही मामला आज शिवपुरी के शहरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 की महिलाएं राशन न मिलने की शिकायत को लेकर जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के पास पहुंची। वार्ड क्रमांक 2 की करीबन 1.5 दर्जन महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उन्हें माह मार्च का राशन वितरित नहीं किया गया है। जब उनके द्वारा सेल्समैन से राशन देने की बात कही जाती है तो वह राशन नहीं देता और उनसे सेल्समैन का कहना है कि उसकी शिकायत कहीं पर भी करा दो, उसका कुछ नहीं होने वाला है। महिलाओं ने सेल्समैन पर आरोप लगाते हुए बताया कि पहले भी सेल्समैन द्वारा राशन नहीं दिया गया है, जिसकी शिकायत लेकर वह कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के पास पहुंची है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, ये वार्ड क्रमांक 2 की जनता आई है, इन लोगों का कहना है कि 3 महीने से इनको राशन नहीं मिला वार्ड क्रमांक 2 की कंट्रोल से, और उनका ये भी कहना है इन लोगों का कि हम पैसे वगैरह, कंट्रोल वाले का कहना है कि हम पैसे वगैरह देते हैं। जी, तो हमारे इंस्पेक्टर साहब बाहर खड़े हैं, इनके बयान ले रहे हैं, अगर इनको खाद्य नहीं मिला होगा तो जो नियमानुसार कार्रवाई होता है। सर, 3 महीने से बता रहा है ना इनको, ऐसे वाले मिल गया, फ्री वाले नहीं मिला। जी जी, सर पहले भी आवेदन दे चुके हैं सर कि पहले भी नहीं बांटता था, पहले भी एक दफे और आवेदन आ चुका है सर, इनका लोगों का कहना है। चलो, तो अब तो बात आ गई है, आ रही है, तो उसकी हम जांच करवा रहे हैं। जी जी, जांच में जस्टिस बनेगी उसकी। तो कंट्रोल वाला बोला सर पैसे वगैरह देता हूँ, कहीं चले कुछ नहीं हुआ, नहीं जो उसको करना है कोई कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल जो है ना बजा दो। फिर आपके लिए पैसे आते हैं सर, ये है कि बाहर के आदमी वहाँ पे वो करते हैं, मेन कंट्रोल वाला वहाँ पे नहीं रहता, बाहर के आदमी वहाँ पे बैठ के वो करवाते। जनता सर से चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि कंट्रोल वाला गिरा के पेमेंट वगैरह देते हैं दूध ऑफिस को, जिसको जो कुछ करना है प्रयागराज में पूरी छूट है, कोई कुछ भी कर सकता है। जी ठीक है, आपके साथी भी कर रहे हैं। जी जी, तो कोई कुछ भी कर सकता है। जी बिल्कुल छूट है, सबको सब कुछ करने की छूट है। हम तो जो पब्लिक बोलेगी, जी उनका स्टेटमेंट हो रहा है, जी उसके स्टेटमेंट में जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जी थैंक यू। क्या नाम है आंटी आपका? कांता। ये क्या समस्या लेके आए यहाँ फूड ऑफिस पे? हमको नाई नहीं मिलता है। कौन से बाट से आए हो आप? दो नंबर बाट से। कब से नहीं मिला आपको? अगले महीने में जो 1 महीने का दिया था और वो जो फ्री मिलना था वो मिला नहीं है, और जो चावल अभी मिला थे चने, तो वो चने भी 2 महीने का मिला था, चावल भी देता है 3 महीने से राशन नहीं मिला। चनों में भी देखोगे तुम तो ऐसे चावल गुने गुना देता है, और बिल्कुल जो फ्री वाला मिलता है वो मिला यही नहीं है। दिवाली की कोई चर्चा ही नहीं है, फ्री वाले की कोई बात ही नहीं है। क्या कर रहा है मैं? तो कहीं नहीं कि भैया फ्री वाला दे दो, नहीं पर एक तो नहीं जाएगा। आ जा तू, चावल की तंदरा कालोरी सब जगह पड़ रहा है, तो कनाडा अगले महीने देंगे, अगले महीने का ही पता चला नहीं है मुझे। कनाडा मैंने कर दिया ना जी चने, वो तो बेबे भैया ने फोन करा तो चनों की पता चली नहीं, तो वो चने भी चने भी गायब हो गए। 2 महीने से ना चने मिले और 1 महीने का फ्री सामान और चने भी आए बेटा, तो ऐसे आए ऐसे मोटे मोटे ढेले रखे सड़े सड़ाए आपको क्या क्या आश्वासन दिया यहाँ पे ज्ञापन दे के? कौन को देना पड़ता है? अरे एक जना बोलो, कहते हैं हम के जो चीज खराब है तो भैया अच्छी दे, तो क्या लेना हो तो लो नहीं तो जा। आपने का बोला फूड ऑफिस में, वो कहता है कंट्रोल वाला फूड ऑफिस में मुझे पैसे देना पड़ते हैं, और आप किसी अधिकारी से क्या आपका कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।